हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, नए ब्लॉग में फिर से। तो बहुत सारे दोस्त हमसे मैसेज करके यही पूछते हैं कि भाई कतर में मतलब काम किस टाइप से होता है, कैसे होता है। ये जैसे कि सुपरमार्केट होती है या फिर लॉन्ड्री या फिर नाई की दुकान या फिर रेस्टोरेंट, तो इन सब पे जो काम करने वाले लोग हैं लड़के, वो किस टाइप से काम करते हैं, कितना उनको सैलरी मिलता है और क्या उनकी ड्यूटी टाइमिंग है और मतलब किस तरीके से काम करते हैं। तो आज हम वही सब देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। यहाँ पर एक ये मार्केट है और इसके अंदर बहुत सारी दुकानें हैं, तो वही सब देखेंगे हम आज। सबसे पहले ये देख लीजिए कि यहाँ पर जो रिहायशी एरिया होते हैं, जहाँ पर लोग रहते हैं, मतलब घर होते हैं लोगों के, तो वहाँ पर इस टाइप की मार्केट बनी होती है और इसको बोलते हैं अल फुरजान मार्केट। ये देखिए 49 नंबर है इसका, और ये देख सकते हैं आप इसके अंदर इस टाइप से शॉप होती है। जैसे कि ये सामने सुपरमार्केट है, ये लॉन्ड्री है, वो ज़्यादातर है रेस्टोरेंट, उसके बाद है फिर सैलून की, फिर सब्जी की। तो आज हम चलते हैं और देखते हैं। ये देखिए सुपरमार्केट, और इसके अंदर आपको सारे ही आइटम मिल जाएंगे जो आपकी ज़िंदगी में यूज़ होने वाले होते हैं। और ये देखिए भाई, इस टाइप का काउंटर होता है यहाँ पर। ये भाई साहब काउंटर पे बैठे हुए हैं और ये कैशियर हैं इस शॉप के, और आपको जो ज़िंदगी में यूज़ होने वाले प्रोडक्ट होते हैं वो सब इन मार्केटों में मिलते हैं। ये देखिए एक मार्केट के अंदर एक कैशियर होता है और चार पांच लड़के जो हैं काम करने वाले होते हैं, यही सब फूड या फिर ऑर्डर ले जाने के लिए या फिर सामान को लगाने के लिए, तरतीब करने के लिए, मतलब रखने के लिए अच्छे से, जैसे आपको रखा हुआ दिख रहा है ये सामान। यहाँ पर देखिए क्या होता है, अक्सर कोई अगर कोई सामान लेने के लिए आता है तो बाहर से गाड़ी में से ही हॉर्न दे देता है, फिर यहाँ पर जो शॉप पे काम करते हैं लड़के वो लोग जाते हैं उसका ऑर्डर बुक करने के लिए, और यहाँ से जो उसको सामान चाहिए वो लेके पहुँचा के आते हैं उसकी कार तक। जैसे कि देख सकते हैं आप ये भाई साहब जाते हुए। अच्छा, ये जो लड़के काम करते हैं शॉप पर इनको कितना सैलरी मिलता है? हेल्पर ही का जो काम करते हैं। हाँ, आपके शॉप पे जो लड़के हेल्परी का काम करते हैं उनको कितना सैलरी मिलता है? लगभग देखिए भाई, सुपरमार्केट में जो काम करने का पैसा मिलता है, मतलब जो लोग इसके अंदर काम करते हैं हेल्परी का, ठीक है, नया आदमी है तो उसको वही एवरेज सैलरी मिलता है भाई 1500 रियाल 1600 रियाल। मतलब खाना पीना जो रहता है इन्हीं लोगों का रहता है, जो लोग मतलब दुकान के मुदीर होते हैं, जो ठेकेदार होते हैं शॉप के, ठीक है। स्पॉन्सर यहाँ पर हर काम का कतरी होता है, ठीक है, स्पॉन्सर बस वो दूसरे के हाथ में दे देता है कामकाज, यानी तू जिम्मेदार है, तू देख सब कुछ, बस खाली मुझे हिसाब दे दे, और बाकी का जो हिसाब किताब इसके अंदर रहता है वो रहता है भाई। देखो अगर नया आदमी है तो 1500 सैलरी प्लस खाना पीना और रूम, ठीक है, और अगर भाई थोड़ा काम जानता है एक दो साल तो 1600, ज़्यादा पुराना है तो भाई 1800, और अगर काउंटर पर बैठने लगा तो भाई 2000 2200, वही एवरेज सैलरी है भाई यहाँ पर उस चीज़ का, मतलब इस पर सुपर मार्केट पर काम करने का। ये देखिए इस टाइप की लॉन्ड्री होती है यहाँ पर, और इसके अंदर मतलब कपड़े धुलते हैं, प्रेस होते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, क्या हाल चाल है? तो देखिए भाई, ये टॉप जो होती है जो अरबी लोग लिबास पहनते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये धुल के टंगा हुआ, और ऊपर देख सकते हैं कंबल, जो कंबल यहाँ पर यूज़ होता है अक्सर, तो कंबल धुलते हैं इसके अंदर, और बहुत सारे कपड़े धुलते हैं। ये देख सकते हैं आप इस टाइप से ऑर्डर पड़े हुए। कितना पैसा मिलता है मिनिमम? देखिए मक्सले के अंदर काम करने के लिए एक्सपीरियंस के ऊपर है भाई सैलरी। नया आदमी आता है उसको 1400 मिलता है प्लस फूड प्लस रूम, और अगर आदमी पुराना है तो उसको 1600, और अगर 4-5 साल हो गया तो भाई 1800, वही है, मतलब एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मिलता है सैलरी। मक्सला बोलते हैं लॉन्ड्री को यहाँ पर, अरबी में बोलते हैं मक्सला, उसके अंदर काम करने का। मैंने उन भाइयों से पूछा तो उन्होंने मुझको बताया, ठीक है, कैमरे पर वो नहीं आना चाहते। अब मैं आपको दिखाता हूँ भाई रेस्टोरेंट। ये देखिए रेस्टोरेंट, ये इस टाइप से रेस्टोरेंट होते हैं। वो देखिए चाय बन रही है यहाँ पर, कड़क चाय बहुत चलती है, मतलब दूध वाली चाय। और ये देख सकते हैं आप, ये रहा जूस बनाने के लिए, मतलब किसी को जूस चाहिए। और अंदर जो होता है वो किचन होता है, मतलब सब सामान बनाने के लिए, सैंडविच वगैरह, बर्गर वगैरह, वो सब चीज़ें। यहाँ पर जूस, यहाँ पर चाय इस टाइप से मिलती है। हाँ, क्या हाल है भाई जान? क्या हाल? ठीक है, सब अच्छा है, सब अच्छा चल रहा है, चलो अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए भाई, रेस्टोरेंट पे जो काम करने का सिस्टम है वही है, अगर आदमी हेल्परी में है, मतलब जैसे ये कारें खड़ी हैं, कोई भी आगे हॉर्न देता है, अंदर से आदमी आता है जो मतलब काम करता है शॉप पे, वो आने के बाद ऑर्डर लेता है, फिर तैयार करके बाहर लेकर आता है, उसको तो भाई वही सैलरी मिलता है यहाँ पर 1500 1600 प्लस रूम फूड, ठीक है। और अगर भाई फूड बनाता है, मतलब बर्गर वगैरह सैंडविच वगैरह अंदर किचन के अंदर बनाता है, तो भाई 1800 2000 हर चीज़ का सैलरी भाई यहाँ पर एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है।
हर इंसान का, ठीक है। नया है तो भाई 1400-1500, पुराना होता जाएगा तो भाई वही 1800-1600-1700-2000, और अगर 8-10 साल पुराना आदमी है तो भाई 2400-2500, ये सिस्टम है भाई हर काम का यहाँ पर। अब हम आपको दिखाते हैं नाई की दुकान। हाँ दोस्त, दिया पैसा उसने, कितना पैसा दिया है? 45 तीनों का दे दिया। ये है भाई नाई की दुकान, ये देखिए नाई की दुकान, इस पे कुर्सी पे बैठ के बाल कटाते हैं। सामने है शीशा और इस टाइप से केबिन बने होते हैं सबके, मतलब ये कितने केबिन है, 5 केबिन है, तो इसके अंदर 5 लड़के काम कर सकते हैं। 5 कुर्सियां हैं, एक आगे भी है, 6, और देखिए इस टाइप से लड़के काम करते हैं ये, जैसे करते हुए देखो भाई। ऑन कैमरा कोई भी आदमी सैलरी बताने के लिए तैयार नहीं रहता, ना होता, और शर्माता है आदमी भाई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो एवरेज सैलरी है वो इंसान की इतनी ही है भाई, 1400-1500, ठीक है, नए आदमी की। अगर भाई रिटर्न है तो 1700-1600, ठीक है। और अगर भाई देखो एक चीज़ ये भी है, मतलब कैसी जगह पर वो काम करता है उसके हिसाब से भी सैलरी मिलती है, ठीक है। अगर भाई इस टाइप की लोकल मार्केट में वो काम करेगा तो भाई वही मिलेगी 1700-1600-1500-1800। और अगर भाई अच्छे एरिया में काम करेगा, VIP एरिया में, तो भाई वहाँ पर 2200-2500 मिलेगी, ठीक है। एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है भाई, मतलब जैसा एक्सपीरियंस, जैसी उसकी क्वालिफिकेशन है उस टाइप से उसको सैलरी मिलेगी। यहाँ पर ये सिस्टम है। बाकी जो ये लोकल हैं, मतलब इस टाइप की जो शॉप है, इन दुकानों पे काम करने की सैलरी भाई वही है नए आदमी की, 1400-1500, और रिटर्न है तो भाई 1700-1800। और अगर 4 साल हो गए भाई काम करते हुए और अच्छे से काम करता है तो भाई वही 2200-2000, इस टाइप से। बाकी रूम और खाना जो रहता है वो इन्हीं शॉप वालों का रहता है। तो भाई आज के वीडियो में हमने देखा एक सुपरमार्केट और एक लॉन्ड्री और एक नाई की दुकान, तो बहुत कुछ जाना हमने इसके बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हम आपको दिखाएंगे दूसरी जगह पर और मार्केट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएँ।